श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद् गीता अथाष्टादशोऽध्यायः। श्लोक 50, 51, 52, 53, 54 एवं 55। श्लोक 50। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे, समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे, समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। श्लोक 51। बुद्धिया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च। बुद्धिया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ युदस्य च। श्लोक 52। विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। श्लोक 53। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। श्लोक 54। ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षते, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। श्लोक 55। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः, ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः, ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। श्लोक 50। अर्थ। जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है, उस नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। श्लोक 51, 52 एवं 53। अर्थ। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति
दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। श्लोक 54 एवं 55। अर्थ: फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है।